नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लासेज में। दोस्तों, आज हम फ्रैक्शन में लार्जेस्ट फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीखेंगे। देखिए, तीन फ्रैक्शन हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सी बड़ी है। इनको सोल्व करने का तरीका है, जैसे हम कोई भी दो फ्रैक्शन ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ये दो फ्रैक्शन ले ली हैं, इन दोनों में से आर पार जो इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 6 या 6 और 4 3 12, इसके लिए ये आ गया और इसके लिए ये आ गया। ठीक है, तो इनमें से बड़ा कौन सा हुआ? ये वाली हुआ। ठीक है, तो अब इसको ले लेते हैं, अब इसको ले लेते हैं, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी ऐसे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32, और इसका इसके साथ करेंगे तो 42। तो कौन सी बढ़िया? इसके लिए ये आया है, तो इसका मतलब हुआ कि 7/8 बड़ी फ्रैक्शन है। ओके, एक और देखेंगे, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। पहले इन दोनों को चेक करते हैं, इनमें से जो बड़ी होगी उसको देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके लिए आ गया 9 और इनका करेंगे तो ये आ गया 15। ओके, तो इनमें से ये बड़ी हुई, इसके लिए ये आया है, तो अब इन दोनों का देखेंगे। ठीक है, अलग से लिख लेता हूं ताकि आप पजल ना हो। ये बड़ी आई है, सॉरी 9 था यहाँ पर, ये बड़ी आई है तो ये ले ली, और एक ये बची हुई थी ये ले ली। इसके लिए आया हमारा 5 7 35 और इसके लिए आया 72। ओके, तो 72 किसके लिए आया? इसके लिए आया, तो बड़ा है 72, तो 8/7 इज द आंसर। बिल्कुल ईजी है, एक और देख लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर हम बिल्कुल बेसिक जो मैथ्स हैं और ऑडियो फाइल जीके की लेकर आते हैं समय समय पर। अगर आपको चैनल पर प्रोवाइड किया जा करवाया जा रहा कंटेंट पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, एक और सम देख लीजिए, तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 4 4 फ्रैक्शन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लिए आ गया ये हमारे पास 35 और ये आ गया 8। तो इनमें से कौन सा बड़ा हुआ? ये वाला बड़ा हुआ। ठीक है, 5 7 35 और 4 2 8, इसके लिए 35 आया था, इस हम ये वाली ले लेते हैं फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसको ले लेते हैं क्योंकि इन दोनों का तो हो गया, इन दोनों में से ये बड़ी मिल गई, तो बड़े वाली लेके एक और जो बची हुई है वो ले लेते हैं। अब इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लिए ये आ गया 15 और इसके लिए आ गया 12। तो अब इनमें से, इन दोनों में से ये वाली बड़ी आ गई, तो ये वाली ले लेते हैं, और एक जो हमारे पास ये बची हुई है लास्ट, इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, अब इनको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके लिए ये आ गया और इसके लिए ये आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 5/4 के लिए क्या आया? 25 आया, तो 25 दोनों में से बड़ा है, तो इसका मतलब है 5/4 क्या है, इसमें इन चारों में बड़ी फ्रैक्शन है। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो वे सभी दोस्त क्या है दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए।